एक 3 साल का बच्चा भागवत और गीता के सारे श्लोक बोलता है, ABCD गाता है, और उसमें क्या बोलता है, ए फॉर अर्जुन। कहां से आ रहा है वो सब कुछ? उसके माता पिता ऐसे उसको ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे उसकी शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए वो वैसा सीख रहा है। पहले जो माता थी वो निर्माता हुआ करती थी, माता यशोदा, माता कौशल्या। आप सुनोगे तो पहले जो बच्चे थे उनसे पहले उनकी माता का नाम लिया जाता था, कौशल्या नंदन राम, देवकी नंदन कृष्ण। तो क्यों? क्योंकि माता पहले निर्माता हुआ करती थी, माता अपने बच्चे का पहले से निर्माण करती थी, उसको स्कूल से पहले माता पूरे शिक्षा दे दिया करती थी। अब माताएं फोन दे देती हैं कि रोएगा, चल ये वाला फोन पकड़ ले। तो गलती तो माता पिता की खुद की है। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को छोटी छोटी चीजें तो एटलीस्ट सिखाएं। एक बच्चा जो 3 साल का मदरसे जा रहा है उसको पूरी आयतें याद है, क्या आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे को भी गीता के 10 श्लोक तो कम से कम आने चाहिए? एक श्लोक तो आना चाहिए, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कितने श्लोक है एग्जैक्टली गीता में, कितने अध्याय है आपको ये तो पता, उसको ये तो पता होना चाहिए कम से कम कि कितनी पुस्तकें धर्म ग्रंथ हैं हमारे, कितने हैं, उसको ये भी नहीं पता। और माता जनवाना भी नहीं चाहती क्योंकि उसको मॉडर्न बनाना है अपने बच्चे को। अरे छोटी छोटी चीजों से शुरू करिए, भगवान के सामने हाथ जुड़वाइए, खाना जब खाए उससे पहले हाथ जुड़वाइए, बताइए कि जो कुछ भी आज तुम्हारे पास है वो उस ईश्वर की वजह से है, ये बताइए उसको। संस्कार तो माता पिता ही देंगे और कोई इसका जिम्मेदार नहीं है अगर बच्चा किसी और दिशा में जा रहा है।